वेलकम फ्रेंड्स, से प्राइम टेलीकॉम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास रेडमी का 5A मोबाइल है और इसमें जो प्रॉब्लम है कि जैसे हम इसे चार्ज लगाते हैं तो ये चार्ज नहीं लगता है। इसको मैंने चेक भी किया है और चेक करने के बाद मैं आपके लिए इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, जैसा आप देख सकते हैं, पीछे से खोल रखा है मैंने, जो इसमें सप्लाई है वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक आ रही है और इसे हमें कैसे ठीक करना है। तो फ्रेंड्स, से अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, ये मैंने मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज में लगा लिया है और देखिए यहां पर रेड है, वो मैं यहां पे लगा देता हूं। पहले हम जो बैटरी है उसे हटा लेते हैं और अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं लगाया है चार्जिंग, आप देख सकते हैं मैंने लगा रखी है और यहाँ पर जीरो वोल्टेज दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं लगाता हूँ तो यहाँ पर जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये होता है इसका जो बैटरी कनेक्टर है उसका प्लस पॉइंट। देखिए वोल्टेज है 5.2 की यहाँ पर आ रही है, लेकिन जैसे हम यहाँ पर अगर चेक करेंगे इसके प्लस वाले पे, तो देखिए बैटरी के प्लस पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रही, 0.03 इस तरफ दिखा रहा है, इस तरफ ये इसका माइनस है, ये इसका प्लस है, लेकिन देखिए कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है। तो इसको हमें कैसे ठीक करना है, इस वीडियो में आज आपको ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये जो इसका पोर्शन है इसको हमें यहाँ से निकाल देना है, ये जो इसके ऊपर लगी हुई है। ये निकालने के बाद में देखिए, जैसा आप देख सकते हैं, ये जो इसकी आईसी आप देख रहे हैं, ये वाली, ये आईसी इसकी चार्जिंग की आईसी है। तो ये जो आईसी है, यहाँ पर हमें अभी वोल्टेज है वो चेक कर लेनी है। तो इसको मैं यहाँ पर फ़ोन को चार्ज लगा रहा हूँ और ये देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर को रख देता हूँ मैं और अभी जो आपको इसकी वोल्टेज है वो चेक करवाऊँगा। तो ये हमें लगाना है ग्राउंड के ऊपर, यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ और इससे हमें यहाँ पर जब आप कैपेसिटर देख रहे हैं इनके ऊपर वोल्टेज चेक करना है। देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे, देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज आ रही है 0.0, यहाँ पर देखिए 1 कुछ है, अगले वाले पे देखते हैं कुछ भी नहीं है, इस तरफ नहीं है, दूसरी तरफ लगाते हैं थोड़ी सी वोल्टेज कुछ। तो हम इन कैपेसिटर पर देखिए वोल्टेज चेक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज है वो नहीं आ रहा। अब देखिए आपको एक बताता हूँ, यहाँ पर आप जैसे देखेंगे दो पॉइंट हैं जो खाली हैं, यहाँ पर देखिए मैं चेक कर रहा हूँ तो फ़िलहाल कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है और इस तरफ भी हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर वोल्टेज ही नहीं आ रहा है, यहाँ तक तो हमारी जो वोल्टेज है वो आ रही है, जो हमारा ये पॉइंट है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज है वो आ रही है और यहाँ पर अब दोबारा करते हैं चार्जर, शायद नहीं लगा था सही से। तो यहाँ पर भी 4.2-4.3 के आसपास वोल्टेज आ रही है, लेकिन हमारा जो फ़ोन है वो चार्ज नहीं हो रहा। बैटरी कनेक्टर पे देखिए जीरो वोल्टेज रहता है, माइनस पे लगाऊं प्लस पे लगाऊं कहीं पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हमारी वोल्टेज है, लेकिन आईसी तक जो वोल्टेज है वो पूरी नहीं आ रही है। यहाँ पर देखिए आप 4.3 तक वोल्टेज आ रहा है, 5 वोल्ट यहाँ पे नहीं आ रही है। तो ये हमें कैसे ठीक करना है, इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो आप ये दो पॉइंट देख रहे हैं इनके ऊपर आपको वोल्टेज चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर पूरी 5.2 वोल्ट ये जो ऊपर की तरफ की पिन पे आ रही है और ये जो है यहाँ पर 4.3 है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ भी लगा हुआ नहीं मिलेगा किसी भी मदरबोर्ड में, ये ऐसे ही ब्लैंक होता है। यहाँ पर आपको एक कोईल लगा देनी है, जो ब्लैक कलर की कोईल होती है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। जैसा देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर इसकी रिंगर की आईसी है, ये जो ब्लैक आप देख रहे हैं ये कोईल होती है। तो मेरे पास एक दूसरा मदरबोर्ड है, इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि तो ये कोईल आपको लगी दिख जाएगी, ये मैं उतार के और यहाँ पर अभी लगाने वाला हूँ, फिर हम इसे चार्ज करके देखेंगे। तो बैटरी को हटा देते हैं हम और यहाँ पर इन दोनों पे हम ये देखिए ये जो कोईल है ये लगाएंगे। तो चलिए आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ी सी पेस्ट लगा लेंगे, देखिए यहाँ पर पेस्ट लगा दी हमने और ये जो कॉइल है इसके ऊपर भी, जो ब्लैक कलर का आपको लग रहा होगा शायद कैपेसिटर होता है, रजिस्टर भी हो सकता है,
लेकिन ब्लैक कलर की कॉइल है वो हमें यहाँ पर लगानी होती है। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आ जाएं। देखिए ये कॉइल हमने उतार ली है और यहाँ पर अब हम इसे लगा देंगे। तो देखिए ये हमने यहाँ पर लगा दी है। अब मदरबोर्ड को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर मैं आपको भी ये लगाकर चेक भी करवाऊंगा कि हमारी जो प्रॉब्लम ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, मदरबोर्ड को ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स से जो हमारा फ़ोन था वो भी ठंडा हो गया है। चलिए यहाँ पर मैं बैटरी लगा देता हूँ और चलिए अब जो है इसे चार्ज लगा के हम देखते हैं। देखिए जैसा आप देख सकते हैं कि फ़ोन हमारा चार्ज लग गया है और अभी देखिए यहाँ पर जो आपको है मैं वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ कि कितनी आ रही है। ये हमें यहाँ ग्राउंड पे लगा लेना है और ये फिर देखिए पहले मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं ये हमने ग्राउंड लगा लिया। एक बार बैटरी है उसको हटा लेते हैं। अब देखिए आपको मैं वोल्टेज चेक करवाता हूँ। देखो रविंद्र जी, आड़ देखो देखिए यहाँ पर अभी वोल्टेज आपको 5.09 मिल रहा है और देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमें पहले 4 वोल्ट मिल रहा था देखिए 5.02। ये हमने यहाँ पर एक छोटी सी कॉइल है वो चेंज करी है और हमारी जो वोल्टेज है वो पूरी आ गई है। बैटरी कनेक्टर पे भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ हमें कितनी वोल्टेज मिल रही है। देखिए यहाँ पर आपको वेरी कर रही है वोल्टेज, 4.1 तक यहाँ पर जा रही है। तो जैसे ही बैटरी लगेगी हमारी बैटरी वो चार्ज होना शुरू हो जाएगी। पहले बैटरी कनेक्टर पे कोई वोल्टेज नहीं आ रही थी लेकिन अभी आ रही है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप अगर आपका सब कुछ इसमें ठीक है, बैटरी कनेक्टर ठीक है, यहाँ तक भी वोल्टेज आ रही है लेकिन फिर भी चार्ज नहीं लग रहा, तो यहाँ पर आप ये इसकी IC है ये चेंज करके देख सकते हैं। नहीं तो आप ये कॉइल यहाँ पर एक लगा सकते हैं अपने पास से और आपकी जो चार्जिंग की समस्या है MI 5A में वो ठीक हो जाएगी। तो देखिए जो फ़ोन है हमारा भी ऑन हो रहा है और देखिए अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये मैंने जैसे चार्जिंग हटा दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 92 दिख रहा होगा। तो जैसे मैं इसे अभी चार्ज लगाता हूँ तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं चार्जिंग का साइन आ गया 92% और ऊपर भी आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 92% पे हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताएं और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।